हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया भाई। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज के बारे में। ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज जो होता है, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो पैरेलल नहीं हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, इनके क्वेश्चंस ध्यान रखना कम बनते हैं और क्वेश्चंस मेंशुरेशन में बनते हैं। इसके जो कम बनते हैं वो भी मेंशुरेशन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है। समलंब चतुर्भुज, पहली बात होता क्या है, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो साइड तो अपने पास पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो साइड अपने पास पैरेलल हो और दो अगर पैरेलल नहीं हो, ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना। यदि किसी ट्रिपेजियम की अनपैरेलल साइड्स बराबर हैं, यहां पर यदि किसी ट्रिपेजियम की अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की अनपैरेलल साइड्स अगर कभी भी, हमेशा नहीं होती, अगर कभी बराबर हो जाए अनपैरेलल साइड्स, तो उसका स्पेशल नाम होता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम या सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। बस ये इसका नाम है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। यदि किसी ट्रिपेजियम की अनपैरेलल साइड्स अगर अपने पास बराबर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रिपेजियम या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। याद रखना, दो पैरेलल साइड्स के बीच हमेशा दूरी हमेशा बराबर होती है, डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। तो जैसे आप लोग यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से यहां पर अगर परपेंडिकुलर डालोगे, तो याद रखना आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा बराबर होती है। ये ओनली आइसोसेलेस में होगा, सभी में नहीं होगा, याद रखना। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में जैसे ये है, तो इसमें अगर परपेंडिकुलर डालोगे यहां से और इसमें अगर परपेंडिकुलर डालोगे यहां से, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ याद रखना बराबर नहीं है, अपने पास अलग अलग है। बराबर कब होता है? जब आइसोसेलेस ट्रिपेजियम हो। सर बराबर क्यों होगा? बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये अगर ए है तो ये भी ए है, पहले से दिया हुआ आइसोसेलेस। बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ये अगर एच है तो ये भी एच है और दोनों में एक कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो आरएचएस से दोनों के दोनों ट्राइंगल, एक तो राइट एंगल है दोनों में, एक दोनों के हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ये चीज आपको ध्यान होगा। इसलिए यहां पर ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गए। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। हम लोग पढ़ रहे हैं ये बात मैंने बता दी, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सिर्फ इतना ही है, बस पता होना चाहिए कि हम लोग किसको बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम ऐसा कोई ट्रिपेजियम, और ट्रिपेजियम क्या होता है? ऐसा कोई क्वाड्रेटल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो। अगर दो अनपैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास अगर ट्रिपेजियम की हम लोग बात करें, समलंब चतुर्भुज की अगर हम लोग बात करें, इसके दो साइड अपने पास पैरेलल होंगी और दो साइड अपने पास पैरेलल नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये अपने पास यहां पर
मान लीजिए ए बी सी और डी, ये वाली जो साइड है वो अपने पास एक्स है और ये वाली साइड अगर अपने पास वाई है, तो याद रखना इसके अगर बराबर अनुपात में बांटने वाली लाइन हो, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहां से ऐसी कोई भी लाइन हो जो इसको बराबर अनुपात में बांटे दोनों लाइन को, मान लो ये इधर भी ए अनुपात बी है और उधर भी रेशियो जो है ए अनुपात बी ही अगर है, तो याद रखना ये जो लाइन पी क्यू अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये भी इनके पैरेलल होगी अगर रेशियो बराबर है तो। अगर रेशियो कभी भी बराबर है ए बाई बी और ए बाई बी रेशियो अगर बराबर है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो आप एक छोटा सा काम करना, यहां से आप लोग इसको ड्रॉ कर दो। जैसे आप लोग ड्रॉ करोगे तो ये मान लो अपने पास आर अगर है, यहां पर इसको मैं आर मान रहा हूं, तो बताइए दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इस ट्रायंगल ए डी सी में ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो क्या हम लोग सिमिलरिटी से क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग कहोगे सर सिमिलरिटी से आप लोग लिख सकते हो पी आर अपने पास यहां पर पी आर अपॉन अपने पास यहां पर टोटल की साइड एक्स बराबर छोटे वाले की साइड ए है और बड़े वाले की साइड अपने पास ए प्लस बी है। क्या सिमिलरिटी से बताइए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक बार बताना सब लोग मिलकर। और पी आर की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी। ये मैंने बहुत बार बताया है कि लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। हाँ और ना बताइए ये कैसे लिख दिया? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे सेम अगर मैं प्रोसेस इधर वाले ट्राइंगल में भी अगर मैं आपको आपके लिए लगाऊं, ट्राइंगल ये लगा दिया हम लोगों ने ए डी सी में, ए डी सी में हम लोगों ने लगा दिया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग सी ए बी में लगाए, सी ए बी में अगर सेम प्रोसेस हम लोग लगाए सी ए बी में, तो मुझे बताइए छोटे वाले की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर छोटे वाले की साइड अपने पास है यहां पर क्यू आर, बड़े वाले की साइड कितनी है? तो बड़े वाले की साइड है वाई, छोटे वाले की साइड कितनी है? तो आप बोलोगे बी, और बड़े वाले की साइड कितनी है? तो आप बोलोगे ए प्लस बी। तो यहां से मैं कहूंगा आपको कि क्यू आर की लेंथ आप लोग बताइए भाई, तो क्यू आर की लेंथ क्या बी वाई अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे तो पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए अब मैं क्या दोनों को जोड़ सकता हूं क्या? अगर पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी हो तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दो, पी आर और आर क्यू को जोड़ दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये इधर आ जाएगा ए एक्स और इधर आ जाएगा बी वाई, और दोनों का जो एलसीएम बन गया है वो तो क्या बन गया है? ए प्लस बी। ये अपने पास एलसीएम बन गया है। लाइन और एंगल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब एक ऐसा फॉर्मूला मैंने समझाया था आपको, अगर पी क्यू की लेंथ आपको निकालनी हो अगर याद है तो वहां पर तीन लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो, तो एक ऐसा फॉर्मूला मैंने समझाया था a into x और b into y, ये जो होता है a into x plus b into y और अपॉन नीचे आता है a plus b। ऐसी कोई बात आपको बताई थी लाइन और एंगल पढ़ाते टाइम, मैंने कहा था अभी इसको याद कर लो, बाद में क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा कहां से कैसे और क्यों आता है। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या याद है क्या? यदि कभी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यदि कभी भी अपने पास ये मिड पॉइंट अगर कभी हो, इस चीज को ध्यान दो, यदि अपने पास यहां पर ए बी सी और डी अगर अपने पास है, ये वाली साइड अपने पास अगर एक्स है और ये वाली साइड अगर वाई है, और पी और क्यू अगर मिड पॉइंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं पी क्यू की जो अपने पास लेंथ होगी, पी और क्यू अगर मिड पॉइंट अपने पास है तो पी क्यू की जो अपने पास लेंथ होगी वो याद रखना अपने पास दोनों के सम की आधी होती है। पी क्यू की जो लेंथ, अगर पी क्यू मिड पॉइंट है तो मुझे बताइए पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? फिर पी क्यू की लेंथ अपने पास x प्लस वाई बाई टू होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, पी क्यू की जो लेंथ होगी वो x प्लस वाई बाई टू होगी, याद रखना। ये अपने पास जो क्यों होती है सर? क्योंकि ये मिड पॉइंट अगर है तो रेशियो अपने पास 1:1 होगा, तो इसका इंटू करोगे तो एक्स का 1 से इंटू करने पर एक्स ही आना है, 1 का वाई से इंटू करने पर वाई आना है, और नीचे ए प्लस बी होता है। इन दोनों को जो अगर आप लोग जोड़ोगे तो नीचे की तरफ कितना आ गया? 2। तो याद रखना यहां पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों के सम की आधी होती है। इस पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आप लोग याद कर सकते हैं, x प्लस वाई बाई टू होगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें ट्रेपेजियम की, जो अपने पास ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, मेंचुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना अपने पास यहां से अगर किसी भी ट्रेपेजियम में ए बी सी और डी, यहां से अपने पास ये डायगोनल अगर अपने पास है ए सी और ये डायगोनल अपने पास बी डी, तो डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की जो लेंथ होती है, ये अपने पास डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट पी है, ये इसका जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ओ का और डी का मिड पॉइंट नहीं है, बी डी का मिड पॉइंट ये है और अपने पास यहां से मिड पॉइंट अपने पास ये है, तो यहां पर डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्यू किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट अगर अपने पास है तो ये अगर अपने पास एक्स है और ये अपने पास अगर वाई है, तो पी क्यू की जो अपने पास लेंथ होगी वो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, पी क्यू की जो लेंथ अपने पास होगी वो क्या होगी, दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, वहां पर अपने पास दोनों के सम का आधा था और ये क्या होगा, ये अपने पास दोनों के डिफरेंस का आधा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहली बात तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, PQ की जो लेंथ होगी वो x प्लस y बाई टू अपने पास होगी, पहली बात। और दूसरा अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो उसकी जो अपने पास लेंथ होगी वो दोनों के सम का आधा होता है, याद रखना आप लोग, डायगोनल में डिफरेंस का आधा और यहां पर सम का आधा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मेंचुरेशन में विनय हम लोग एरिया और परिमाप की बात करते हैं, किसी चीज का एरिया होगा, परिमाप होगा, वॉल्यूम होगा, उसकी क्षेत्रमिति की हम लोग बात करते हैं, वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं भाई, वॉल्यूम की, परिमाप की, एरिया की बात करते हैं मेंचुरेशन के अंदर। और यहां पर उसके हम लोग एंगल की, उसके लाइन की लेंथ की, ऐसी हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री में, यहां पर ज्यामिति है ये। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसमें सिर्फ आप लोग परिमाप, एरिया, वॉल्यूम उनकी बात करोगे। किसी बच्चे को लगता है कि सर ये आया कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे एक बात बताइए, आप लोग इसको अगर इससे मिलाते हो तो इसको अगर आगे बढ़ाने पर, मुझे एक बात बताइए, आप लोग इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए यहां से, तो इसको अगर मैं मिटाता हूं तो क्या आप लोग मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन अगर खींचोगे इसके तो इधर भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो क्या आप लोग यहां से आर क्यू की लेंथ निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर मिड पॉइंट को, इसको मैं लाइन को ही मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये लीजिए, मुझे बताइए क्यू भी मिड पॉइंट है और आर भी मिड पॉइंट है, तो आर क्यू की जो लेंथ अपने पास होगी वो मुझे बताइए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, ये तो बात हुई इस ट्रायंगल में एडीसी में, पहले बात जैसे पिछली बार की थी, एडीसी की बात कर रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल अपने पास यहां से, ये पॉइंट अगर अपने पास पी है तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल एबीडी की। तो ट्रायंगल एबीडी में मुझे बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये अपने पास मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आती और उसके पैरेलल होती है क्या? तो आरपी की लेंथ कितनी होगी ऊपर वाले उल्टे ट्रायंगल में, ए बी डी की बात कर रहा हूं, तो आरपी की जो लेंथ अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या वाई बाई टू होगी क्या? और अब की बार अगर पी क्यू आपसे पूछा है तो पी क्यू आप कहोगे सर आर क्यू माइनस आरपी हम लोग लिखेंगे, तो एक अपने पास एक्स बाई टू है और दूसरा अपने पास वाई बाई टू है, तो मुझे एक बात बताइए क्या अपने पास दो अगर एलसीएम आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई बाई टू क्या ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, PQAB के पैरेलल होगी भाई, हमने एक स्ट्रेट लाइन मिलाकर, क्योंकि वो दोनों मिड पॉइंट हैं, तो यहां से अगर पैरेलल लाइन आप लोगों ने इसके मिड पॉइंट से, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें, तो मुझे बताओ मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो क्या इसके मिड पॉइंट पर मिलेगी क्या? दूसरे के भी मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसके मिड पॉइंट पर मिलेगी, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक ही लाइन का काम करेंगी, ये चीज अपने पास इस प्रकार से। तो ये ट्रेपेजियम के छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी अगर अपने पास हेक्सागन है,
हेक्सागन में अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे एक बात बताओ, हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ये बात बताइए सब लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे उसका फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन अपने पास टू होता है। तो हेक्सागन में 6 गुना अपने पास यहाँ पर 3, 6 रखोगे एन का मान बट्टे 2, तो ऐसे जो डायगोनल होंगे उनकी संख्या 9 होगी। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या बताइए मुझे। एन इंटू एन माइनस 3/2 तो यहां पर। और मुझे दूसरी बात ये भी बताइए इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा ये बात भी मुझे साथ साथ बताओ। तो आप लोग कहोगे सर इसका जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल अपने पास जो होता है अंतर जो कोण अपने पास होता है वो अपने पास फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन। रेगुलर हेक्सागन अगर है तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल अपने पास ये होगा, एन का मान 6 अगर रखोगे आप लोग 6 अगर रखते हो तो ये अपने पास 4 गुना 180 और बट्टे में अपने पास 6, तो प्रत्येक कोण जो आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक इंटीरियर एंगल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। ये एंगल 120 डिग्री है, याद रखना डायगोनल होंगे तो अपने पास 9, यहां पर डायगोनल की जो संख्या है वो 9 डायगोनल्स तो होंगे, लेकिन याद रखना दो टाइप के डायगोनल होते हैं। वैसे अपने पास 9 डायगोनल तो होंगे किसी भी हेक्सागन में, टोटल जो संख्या अगर 9 आई है तो इसमें 9 डायगोनल तो अपने पास होंगे। ये यहां से यहां तक का डायगोनल है, ये यहां से यहां तक 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 डायगोनल है, कुछ तो अपने पास इस प्रकार से होंगे। दूसरा तो ये एक ही टाइप के हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये एक ही टाइप के डायगोनल है, ध्यान रखना, जो दो साइड पर बना है। और दूसरा जो डायगोनल होगा वो इस प्रकार से होगा, ये भी काफी सारे होंगे अपने पास, जैसे यहां से यहां तक ये 3 होंगे। तो मुझे एक बात बताओ होंगे तो ये 3, लेकिन क्या एक ही टाइप के होंगे क्या। तो दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल तो 9 होते हैं लेकिन दो टाइप के होते हैं, या तो दो साइड पर बना हुआ मिलेगा हम लोगों को या 3 साइड पर मिला बना हुआ मिलेगा। याद रखना डायगोनल अपने पास कितना होता है, 3 होते तो 9 है लेकिन दो टाइप के होते हैं, या तो दो साइड पर या 3 साइड पर, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए ये कोण जो है वो 120 डिग्री के आप समझ पाए हो क्या। और ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन उसको बोलते हैं जिसकी प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल अपने पास बराबर है। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, प्रत्येक साइड अपने पास बराबर है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ा दोगे तो मुझे एक बात बताओ, अंदर वाला कोण 120 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल क्या 60 होगा क्या। अंदर वाला 120 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 60 डिग्री होगा। और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर 60 और 60 डिग्री अगर है तो मुझे एक बात बताइए क्या यहां पर ये वाला एंगल जो होगा वो भी मुझे बताओ क्या 60 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताना सभी लोग। और ये 60 डिग्री अगर अपने पास है तो क्या अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या। और बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या अपने पास समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। अब हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं, ये चीज हम लोग कर चुके हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है, देखिए ए और ए, ये भी अपने पास मिड पॉइंट है ए और ए। इसका मतलब कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ए है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताओ, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये अगर ए होगा तो क्या ये अपने पास 2a होगा क्या, क्योंकि मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट प्रूव कर दिया हमने यहां पर समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये अगर ए है और कोण अगर 60 60 60 डिग्री है तो ये भी ए होगा। और मुझे बताओ ए और ए प्रूव होने के बाद ये अपने पास मिड पॉइंट आ गया, मध्य बिंदु आ गया है, और त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगा दी है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये वाला डायगोनल 2a कैसे आ गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। दूसरी बात, अगर सर डायगोनल एक तो चलो ये आ गया, दूसरा डायगोनल अगर ये निकालना हो तो ये चीजें ध्यान रखना। हम लोग वैसे अपने पास यहां पर
या तो हम लोग मेंचुरेशन में सीखेंगे क्योंकि ये कोण 120 डिग्री है, तो या तो हम लोग लगाएंगे यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 120 डिग्री एक कोण है और दोनों बची हुई साइड बराबर है, तो पहली बात तो मुझे एक बात बताइए क्या रिमेनिंग दोनों एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री होंगे क्या? ये तो आप लोग मुझे बताओ, सोल्व कर पाओगे क्या कि 30 और 30 कैसे है बताइए? अगर एक कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, रिमेनिंग दो एंगल अपने पास, दो साइड बराबर हैं, तो सामने वाले कोण बराबर होंगे, और ये 30 और 30 कैसे आ गया? ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30, क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो गया? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो फिर मुझे बताइए क्या यहां से हम लोग एक तो लगा सकते हो, या तो कोसाइन रूल लगा सकते हो, इसको आप लोग एक बार एक्स मान लो, तो या तो कोसाइन रूल लगा दो, कोस 120 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए, और यहां से आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो पहली बात। दूसरा आप लोग क्या करोगे, यहां से अगर आप लोग एल्टीट्यूड डाल देते हो यहां पर, दूसरा आपने पास तरीका ये होगा, अगर एल्टीट्यूड आप लोग डाल देते हो तो ये कोण 90 डिग्री, ये अपने पास 30 डिग्री, तो ये अपने पास बचेगा 60 डिग्री। अब आप लोग यहां पर क्या करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लगाओगे और ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इधर वाली लेंथ हम लोग निकालेंगे, तो क्या आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत पता है तो फिर हम लोग ये लगाते हैं कि ये वाली 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड का कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर ए है तो ये आ जाएगा ए बाई टू, और 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालने तो रूट थ्री से इंटू कर दो, तो ये वाली जो साइड आ जाएगी ये आ जाएगी रूट थ्री बाई टू इंटू अपने पास ए, ए बाई टू को इंटू कर दिया रूट थ्री से, और जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा, तो रूट थ्री बाई टू इंटू ए, दोनों को आप लोग जोड़ दोगे तो दो बार अगर ये आया है, दो बार अगर जोड़ोगे तो ये वाला डायगोनल जो आ जाएगा वो रूट थ्री ए आ जाएगा। इस चीज को अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो एक बार याद कर लो, मेंचुरेशन में हम लोग फिर से समझ लेंगे, ध्यान रखना। यहां पर ये वाला जो डायगोनल है, या तो कोसाइन रूल हम लोग लगाएंगे, या मैं फिर बता देता हूं कि अपने पास यहां पर जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण अगर अपने पास हो, ये 30 है तो 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो वो अपने पास यहां पर, ये अगर x है तो 30 के पास वाली साइड निकालने के लिए हम लोग रूट थ्री से इंटू करते हैं, तो रूट थ्री एक्स, और ये अपने पास कितना होगा, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो यहां पर ये कोण क्योंकि हमें पता है 120 डिग्री है, ये अगर 120 डिग्री अपने पास है तो ये 30 30 होगा, और 30 30 अगर होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, ये अपने पास 30 डिग्री, तो किसी भी तरीके से हमें तो ये लेंथ निकालनी है, तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में कर्ण हमेशा अपने पास कौन सी साइड दी हुई है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहां पर ये अगर ए है तो ये वाली जो लेंथ अपने पास होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ए बाई टू। अब अगर 30 के पास वाली साइड निकालनी है कभी भी तो रूट थ्री से हम लोग इंटू करते हैं, तो ए बाई टू को इंटू आप लोग किससे कर दोगे, रूट थ्री से इंटू कर दोगे, ये लीजिए और ये इधर भी ए इंटू रूट थ्री बाई टू, ये आ गया, दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो डायगोनल अपने पास रूट थ्री ए आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिकेश भाई बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, और कैसे पढ़ाऊं बताओ, ये अपने पास कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये हिंदी तो है, इससे ज्यादा हिंदी में क्या बोलूं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, इसकी विकर्ण की लेंथ अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है, दो टाइप के विकर्ण होते हैं, या तो दो साइड पर या तीन साइड पर, तीन साइड पर अगर है विकर्ण तो उसकी लेंथ अपने पास 2a होती है, और दो साइड पर विकर्ण अगर अपने पास है तो उसकी लेंथ अपने पास जो होती है वो रूट 3a होती है, ये आप लोग याद रखना। यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर पूछे, विकर्णों की संख्या अगर पूछे, विकर्ण बोलते हैं इसको, यहां पर विकर्णों की संख्या अगर पूछे, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर पूछे, तो अपने पास यहां पर ये फॉर्मूला होता है, और अगर डायगोनल की लेंथ पूछे तो वो दो टाइप के विकर्ण अपने पास होते हैं, यहां पर एक विकर्ण अपने पास ये होता है जो कि 2a है, और दूसरा विकर्ण अपने पास ये होता है जो कि रूट 3a है। दो टाइप के क्यों होते हैं, या तो बनेंगे दो साइड पर या बनेंगे तीन साइड पर।
करने की कोशिश करो, लगाओ। आप सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन बना लेते हो और फिर उसको पूछते रहते हो कि सर हमने ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। लगा के देखो, अपने आप चीजें समझ में आएंगी आपको। क्या आगे बढ़े? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बाकी अगर तीनों ही एंगल पता है तो आप लोग साइन रूल भी लगा सकते हैं। तो आप लगा लिया करो उसको, सिर्फ पूछते रहते हो कि सर ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। साइन लगा दो तो सर कोसाइन क्यों लगा, क्यों नहीं लगाया। तो आपको जो नियम पता है उसको लगा दिया करो, वहां पर बात ही खत्म हो जाएगी। पूछने के बजाय दोनों से करके देख लो, अपने आप आंसर सेम आ जाएगा। 13 है, बिल्कुल त्रिभुवन। एक समबाहु त्रिभुज के समबहुभुज आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। तो मुझे बताओ आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या एन माइनस टू इंटू 180 के यही होता है क्या? एन माइनस टू इंटू 180 बराबर 1440 अगर है तो 18 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। तो एन बराबर एन माइनस टू बराबर अगर 8 है तो भुजाओं की संख्या क्या 10 आ जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चन को क्या सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग, अपने आप सोल्व कीजिए। बताओ भाई रजनीश किसके लिए प्लीज लिख रहे हो, पता नहीं। कुछ बच्चे प्लीज लिख देते हैं। दो समभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल, यहां पर पहले के वाले की साइड अगर एक्स है तो दूसरे वाले की साइड कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2x। बोलिए ठीक है क्या? अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास फॉर्मूला क्या होगा? एक्स माइनस टू इंटू 180 अपॉन अपने पास एक्स होगा, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन ये होगा, और दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा? 2x माइनस अपने पास 2 इंटू 180 अपॉन अपने पास 2x बराबर अपने पास ये जो है आंतरिक कोणों के बीच का जो अनुपात है वो क्या 2:3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3 आ जाएगा। तो यहां से इस चीज को कैलकुलेट करके हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। यहां से देखिए 180 से तो 180 कट जाएगा, प्लट कर ऊपर जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस टू। नीचे ऊपर से अगर 2 कॉमन आ गया है तो क्या बचेगा? एक्स माइनस वन बराबर 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 3x-6 बराबर 2x- अपने पास 2 होगा। तो x का जो मान है वो क्या अपने पास 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 आ गया है। तो पहले x का मान अगर 4 आ गया है तो यहाँ पर पहले वाले में जो साइड है वो तो 4 है और दूसरे वाले में साइड कितनी? 8 है। तो आंसर मुझे बताइए क्या 4:8 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। भाई प्रैक्टिस बैच अगर रजनीश आपको लेना है तो प्रैक्टिस बैच देखिए, मैंने पहले, वैसे हमारा सेम डे ऑफ हो जाता है बैच जो है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अपना जो बैच अपने पास होता है वो इस टाइप से चलता है कि जैसे मान लो कि मैं किसी भी चीज को, जो भी चीज पीछे आगे की आती है उसको मैं बताते चलता हूँ। तो लेकिन हर बैच के साथ मैं क्या करता हूँ, पिछली बार जैसे मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा था
वहां पर क्या होता था कि कोई भी बच्चा कभी भी आ जाता था, जब कोई भी बच्चा जब मन करे, जैसे आज मन कर रहा है तो किसी भी टीचर से पढ़ लो, चाहे उसका टॉपिक बीच से चल रहा है, चाहे पहले से चल रहा है, चाहे बाद से चल रहा है, तो वो बच्चा फिर पूरी जो क्लास है उसको फिर खराब हो जाती थी, टीचर को बड़ी प्रॉब्लम आती थी पढ़ाने में। तो अब की बार यहां पर मैंने क्या किया कि जिस दिन बैच स्टार्ट हो उसी दिन बैच को आप ऑफ कर दो, ताकि उसमें फिर नया बच्चा नहीं आ सके, नया बच्चा नए चैप्टर के साथ ही आए। और इसी टाइप से मैं दोनों आपको सिंकोरी पर और मदर्स पर आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हो सर प्रैक्टिस बैच में आप एडमिशन दिला दो, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता भाई। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कॉल किए, तो मैंने एक बार होली वाले दिन फिर से खोल दिया था कि आज आज भाई और ले लो, क्योंकि काफी सारे बच्चे बच गए थे क्योंकि छुट्टियां थी, ताकि पिछली 6-7 क्लास आप देख लो। अब क्या होता है कि जैसे आज अगर कोई बच्चा आया, कुछ मैंने उनको बता दिया, जैसे कैलकुलेशन वगैरह बता दी, तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है वापस से कि सर ये कैसे कर दिया, ये सर वापस बताओ, तो फिर वो क्लास स्मूथ तरीके से नहीं चल पाती। अब आप कहोगे सर मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं पूछूंगा एक्स्ट्रा बिना मतलब के क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही ओपन करूंगा तो आपके साथ साथ 300 लोग और आ जाएंगे उस पर। तो इसके लिए आप डरो मत, घबराओ मत, यहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट करो, और 15 जून को ये जो अपने इवनिंग का जो बैच है प्रैक्टिस बैच, ये कंप्लीट होगा, तो 20-22 जून को फिर से जो बैच कंप्लीट हो उसके साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। और वो एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी का एग्जाम अपना अक्टूबर नवंबर जब भी एग्जाम है उस तक वो चलेगा, तो उसमें वापिस ज्वाइन कर लेना आप। तो रजनीश राणा भाई आपको मैंने समझा दिया, देखिए फिर भी आप पीछे पड़े रहोगे कि सर प्लीज कर दो, उन्होंने बोला है सर कुछ कर सकता है, तो भाई एडमिशन उसमें नहीं हो सकता। अभी तो ध्यान रखिए उस बैच को हमने क्लोज कर दिया है, सिलेक्शन ले चुका हूं, सिलेक्शन ले चुके हो तो बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई रजनीश भाई आपको सिलेक्शन के लिए। तो लेकिन ध्यान रखना उस बैच में अभी भाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जैसे ही आप एडमिशन लोगे खोलते ही उसमें 300 बच्चे आ जाते हैं, और फिर वो बड़ा परेशान करते हैं बाद में, पढ़ाने ही नहीं देते कि सर ये कैसे कर दिया, डिवाइड कैसे कर रहे हो सर, वापिस समझाओ सर, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो अगला जो बैच अपने पास आए जून में, 20-22 जून को हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस बैच फिर से एसएससी के लिए, तो उस बैच में आप एडमिशन ले लेना भाई, अभी तो इनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। हाँ 2024 के लिए ही होगा वो बैच। हरिओम आप किसके लिए प्लीज लगा रहे हो भाई, पता नहीं, कुछ बच्चे ऊपर कमेंट उनका चला जाता है, फिर सिर्फ मुझे तो प्लीज ही दिखाई देता रहता है। यदि किसी संभव त्रिभुजों के विकर्णों की संख्या 14 है, n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू अगर 14 है, तो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर n इंटू एन माइनस 3 बराबर क्या 28 होगा क्या? तो या तो आप लोग यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, द्विघात समीकरण यहां से बना लीजिए, या आप लोग द्विघात समीकरण में भी बाद में सोचना ही पड़ेगा, तो यहां पर ही सोचो दो संख्याओं को इंटू करने पर 28 आए और अंतर 7 का हो, तो एन का अंतर 3 का हो, तो क्या एन का मान क्या 7 होगा क्या? आपको 7×4 अपने पास 28 आ गया। प्रत्येक आंतरित कोण पूछा है, तो आंतरित कोण का जो फॉर्मूला होता है 7-2×180/ अपने पास यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, बट्टे में 7, ये फॉर्मूला होता है। तो 900/7 और 900/7 का मतलब एक बार 7×2 14, 7×8 56, 4/7 ये 128 ही 4/7। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे ना विजय, अब मत लेना प्रैक्टिस बैच, आप अब लेना जो जून में प्रैक्टिस बैच आया है उसी को लेना, जो 2024 एसएससी के लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिस बैच होगा तो उसी को आप करना भाई। रजनीश भाई जॉब की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाते आप, लेकिन मैंने देखिए मेरी मजबूरी बता दी इधर से कि हम लोग इसलिए भी एडमिशन नहीं ले पाते। जैसे कल मैं आपको वापिस से, कल मैं आपके लिए पहले मैं आपको कल से मॉर्निंग में हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसमें पहले 3-4 दिन हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे और फिर मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत करेंगे। तो उसमें अब अगर किसी बच्चे को जैसे कल वो भी बंद हो जाएगा, फिर परसों 2-4-5 बच्चे ऐसे आते ही हैं जो अचानक से बोलते हैं या कॉल करना शुरू कर देते हैं या मैसेज करना शुरू कर देते हैं, या मुझे क्योंकि मेल आईडी बच्चों के पास रहती है मेल करना शुरू करते हैं कि सर प्लीज एक मिनट के लिए खोल दो, सिर्फ एक मिनट के लिए खोल दो, मैं एडमिशन ले लूंगा। तो जिन बच्चों को जैसे कल के बैच में अगर आना है, नए बैच के साथ में हर बार, इसीलिए हर महीने कुछ बच्चे ऐड होते रहते हैं कुछ बच्चे निकलते रहते हैं,
तो मैं हर नए बैच टॉपिक के साथ जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, लेकिन जैसे कल अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया तो कर पाएगा कल तक, नहीं तो फिर उसके बाद परसों से इसको बिल्कुल से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो रजनीश भाई इसमें नहीं हो पाएगा, मैंने आपको बता दिया है, अगर हो पाता तो मैं कर देता। अब बार बार कमेंट नहीं कीजिए भाई आप, मैंने आपको पूरी प्रोसेस भी बता दी है, सिर्फ आपके लिए 3-4 मिनट लगाए। देखिए, एक सम बहुभुज के प्रत्येक भारी कोण का माप 51/3/7 डिग्री है, इसके विकर्णों की संख्या और इसके भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर मुझे बताइए भाई, ये कोण अगर अपने पास ये है तो क्या ये अपने पास 7 और 3 10 35 और 3 36 360/ अपने पास 7 है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360/ अपने पास यहां पर 360/7 अगर कर दोगे तो क्या नंबर ऑफ साइड्स अपने पास आ जाएगी? क्या ये अपने पास कट गया और 7 पलट कर ऊपर चला गया तो n का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर n का मान अपने पास 7 आ गया है। यहां पर विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर विकर्णों की संख्या होगी 7 × 4/ अपने पास यहां पर 2 होगी, तो ये अपने पास 14 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास यहां पर इसने पूछा है डायगोनल्स की संख्या अपने पास 14 है और ये अपने पास 7 है, इसका रेशियो आप लोग बता दीजिए। तो इसका रेशियो क्या 2:1 होना है क्या? आपको भी बिल्कुल सर 2:1 होना है, ये अपने पास आंसर आ गया डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर करो, खुद से ही आपसे सोल्व हो जाएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 128/4/7 डिग्री हो तो विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक आंतरिक कोण ये अपने पास यहां पर क्या 900/7 डिग्री है क्या? और प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 × 180/ अपने पास n बराबर, अगर 900/ अपने पास 7 है तो 180 से कट रहा है 5 बार, तो क्या n का मान यहां पर 7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 7 आ जाएगा। विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग पूछा है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे, विकर्णों की जो संख्या होगी 7 × 4/2 अपने पास क्या 14 होगा क्या? और अब की बार रेशियो नहीं पूछा, अब की बार योग पूछ लिया, कभी रेशियो पूछ लेगा, कभी योग पूछ लेगा, कभी अपने पास कुछ भी पूछ सकता है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विद्याराम लव यू भाई, 4 बता तो दिया अपने पास, अभी भी तो बताया गौरव। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी पैरेलल है बीसी के, यहां पर ए डी और बीसी दोनों पैरेलल हैं समलंब चतुर्भुज में, ये दोनों पैरेलल हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अपने पास इस प्रकार से अगर ये दोनों पैरेलल अपने पास हैं तो मुझे एक बात बताओ, एसी और बीडी इसके विकर्ण हैं, तो क्या आपको ट्रायंगल में ये बात मैंने समझाई है क्या? ये बात मैंने जरूर आपको पढ़ाई होगी कि अपने पास यहां पर एक दूसरे को ओपर काटते हैं, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई होगी कि जब भी अपने पास कभी भी, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो छोटे वाला और बड़े वाला दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई होगी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसको यहां से यहां मिलाने पर और इसको यहां से यहां मिलाने पर ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है ये भी सिमिलर हो जाते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया होगा कहां पर, ज्योमेट्री में।
तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या आपने पास ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको इससे मिलाने पर क्यों हो जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूं, वापस से सुन लो। क्योंकि ये एंगल अगर एक्स है तो जब भी जेड बन रहा हो तो ये भी एंगल अपने पास एक्स होगा, ये एंगल वाई है तो ये भी वाई होगा। दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो क्या दोनों ट्राइंगल ट्रिपल ए के रूल से सिमिलर हो जाएंगे क्या? ए से ओ तक का मान अपने पास तीन है, सी से ओ तक का मान एक्स माइनस अपने पास थ्री है, ये अपने पास डीओ का मान थ्री एक्स माइनस अपने पास 19 है, और बीओ का मान कितना आएगा तो अपने पास एक्स माइनस फाइव अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास वाई के सामने कितना है तीन, और इसमें वाई के सामने कितना है एक्स माइनस थ्री, इसमें अपने पास एक्स के सामने कितना है थ्री एक्स माइनस अपने पास 19, और इसमें मुझे बताइए कितना है तो अपने पास एक्स माइनस अपने पास यहां पर फाइव अपने पास ये लीजिए। क्या आप लोग मुझे बताओ इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग एक्स का मान निकाल लोगे क्या, ये बात मुझे बताना कि एक्स का मान क्या आप लोग यहां से पुट करके आप लोग देख लोगे कौन सा अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या सोल्व कर लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो बुझाए समान अनुपात में, आप लोग वैल्यू पुट कर करके देख लो कि कौन सा अपने पास। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक्स का मान क्या होगा तो एक्स का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऐसी कंडीशन बन गई होगी कि अपने पास आ सकता है, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई होगी, नहीं तो अपने पास पहले पॉजिटिव रख के देख लो, और वो अगर ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर आप लोग माइनस भी रख के देख लेना, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई होगी कि इसको सोल्व करने पर उसने कोई संख्या बनानी चाहिए वो तो बनी नहीं, और अपने पास इस प्रकार से। तो दोनों ही चीज आप लोग याद रखना, जैसे आप लोग यहां पर आठ रखते हो तो तीन बटे अपने पास पांच होगा, यहां पर अगर आप लोग आठ रखते हो ये वाई के सामने और ये एक्स माइनस थ्री, ये थ्री एक्स माइनस 19, तो यहां आठ रखो तो आठ गुना तीन चौबीस, और चौबीस माइनस अपने पास 19 अपने पास पांच, तो वो पांच बटे अपने पास तीन हो गया है। तो आप लोग देख लेना, ये घबराना मत कि सर नेगेटिव कैसे आ गया, उससे संख्याएं पॉजिटिव सेट नहीं हुई होंगी तो आंसर फिर वो ऑप्शन नेगेटिव दे दिया है, तो वो चेक कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने पास सेवन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, और ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप लोगों से होना चाहिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है, तो ए डी बी का मान क्या होगा? ए डी बी का मान, तो मुझे बताओ समषष्ठभुज अगर है तो मैंने कहा होगा 180 बटे 6 तो आएगा ही आएगा, शुरुआत हुई है ए से और खत्म हुआ है बी पर, तो कितने साइड चले? एक साइड, तो अपने पास यहां पर 30 डिग्री, पहले तो यही सोचोगे 30 डिग्री, फिर बीच वाला आप लोग देखोगे डी, मुझे बताओ ए से बी पर अगर गए तो डी बाहर है बीच में है, तो आप कहोगे बाहर है, बाहर है इसलिए आंसर अपने पास यही 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, और अगर बीच में अपने पास आता तो 180 में से हम लोग फिर वो घटा देते हैं 30, तो उस कंडीशन में आंसर आ जाता 150 डिग्री, ये अपना आंसर होगा। क्या ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए हम लोग कर चुके हैं, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात पहले, और अगर इसको समझाते टाइम आपको याद है, पहले मैंने इसको रटवाया था और फिर मैंने इसको समझाया था, उल्टा पढ़ाया था इसको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर दी हुई है, याद रखना। विकास जल्दी हो जाएगा भाई, ऐसे डेट तो मुझे नहीं ध्यान है कोई भी फिक्स, लेकिन जल्दी हो जाएगा। बी डी एफ जो अपने पास ये अगर 6 होगा तो मुझे बताओ, ये अगर 6 है तो ये वाला जो डायगोनल होता है वो क्या 6√3 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा 6√3, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा बी डी एफ का, ट्राइंगल का एरिया नेक्स्ट चैप्टर मेंचुरेशन में पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितना है 6√3, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3,
सेम इसी प्रकार से पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ ये साइड अपने पास 6 है, ध्यान से समझना, ये साइड 6 है और ये वाला डायगोनल जो है वो अपने पास 12 है, इसका डबल होता है, ए है तो 2a होता है, अगर आपको थोड़ी देर पहले अभी भी पढ़ाया था याद अगर है तो। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ 6 से अपने पास ये अगर 12 है तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे से आधी और पैरेलल होती है, तो ये दोनों अगर मिड पॉइंट हैं तो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो दोनों के सम की आधी होगी, 12 और 6 18 का आधा 9, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 6 है तो वो अपने पास डायगोनल 12 होगा और दोनों लाइन पैरेलल है तो ट्रेपेजियम बन गया और ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ दोनों के सम की आधी होती है, तो इसका जो एरिया होगा वो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? √3/4 से √3/4 कट गया है, 9 से कट रहा है 4 बार और 9 से अपने पास कितनी बार कट रहा है 9 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो आंसर जो आ गया है क्या वो 4:3 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया 4:3, ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? ए बी मिड पॉइंट नहीं है भाई, पी और क्यू मिड पॉइंट है, पहली बात तो ये 6 है तो डायगोनल अपने पास 12 है, ये आ गया, ये क्यों आया थोड़ी देर पहले से, और इसके बाद पी और क्यू इसके मिड पॉइंट है, ये अपने पास पी और क्यू इसके मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी भी ट्रेपेजियम में 12 और 6 दोनों के सम की आधी होती है, बोलो ठीक है क्या? छोड़ सकते हो त्रिभुवन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं होते, वो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत जाके बुक खरीद लाते हैं बिना मतलब पैसे वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं तो आपको इधर से सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाता है। 6√3 कैसे, ये रिकेश थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है बेसिक थ्योरी में, उसको आप देखिए √6√3 कैसे, वहां से समझ में आएगा, दो टाइप के डायगोनल होते हैं ये बात मैंने समझाई है, हेक्सागन में थोड़ी देर पहले ये बात आपको बताई थी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर इन द गिवन फिगर ए इक्वल्स टू बी सी, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दो लाइन बराबर और पैरेलल हैं, दो लाइन बराबर भी हैं, दोनों साथ दिया हुआ है, बराबर भी हैं और पैरेलल भी अगर हैं, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर बची हुई दोनों लाइन भी बराबर भी होंगी और साथ ही पैरेलल भी होंगी, यानी कि ये अपने पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे इसमें अगर ये साइड ए है, पहली बात तो इसने ये दिया हुआ है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, इसने हम लोगों से बोला है कि ए ई और बी सी अपने पास ए ई और बी सी पैरेलल भी है और बराबर भी है, मुझे बताइए ये जो साइड है ए ई और बी सी, ये पैरेलल और बराबर दोनों ही अपने पास हैं, तो जब भी ये साइड बराबर और पैरेलल अगर दोनों एक साथ दे दे तो ध्यान रखना बराबर भी है और पैरेलल भी है, तो बची हुई दोनों साइड को इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर वो साइड अपने पास इसके बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी, मतलब ये एक समलंब अपने पास ये जो बन जाएगा एक अपने पास पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, और मुझे एक बात बताओ समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके अपोजिट एंगल्स के इक्वल होंगे क्या? आपको बिल्कुल इक्वल होंगे, तो ये अगर 102 डिग्री है तो क्या ये भी 102 डिग्री क्यों होगा? इतनी बात बताओ, 102 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से आया? और ये अगर 102 डिग्री है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए ए और ए समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये तो पहले से इन दोनों के बराबर था और ये इसके बराबर हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होता है, तो एंगल बी सी डी पूछा है, तो 102 में अगर आप लोग 60 ऐड करोगे तो आंसर क्या 162 डिग्री आ जाएगा क्या?
162 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब किसी एक बच्चे को कल की ही क्लास में बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अब जिसको नहीं पता उसको अब ये लास्ट में फिर प्रॉब्लम अचानक से आ जाएगी कि नहीं समझ में आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आज ही थ्योरी बताकर आया हूं कि अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का तो फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी ये 6√3 होता है और ये अपने पास 6 का डबल 12 होता है और इन दोनों के सम का आधा, थोड़ी देर पहले वाली थ्योरी मैंने लगाई है, वो आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। अब ये वैसे मेंचुरेशन के क्वेश्चन है, पॉलीगन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल के, वो मेंचुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और कल हम लोग पहले दो तीन तीन चार क्लास में जितनी भी होंगी पहले मैं कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ए बी और अपने पास यहाँ पर सी है, ये यहां से इसका क्षेत्रफल 300 है, इसके तीनों शीर्षों को काट दिया जाए यहां से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री अपने पास होता है। तो यहां से अगर इसके तीनों शीर्ष को काटकर एक हेक्सागन अगर हम लोग बनाए तो मुझे बताओ हेक्सागन का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन अगर बनाओगे तो उसका जो प्रत्येक कोण होगा वो अपने पास तीन कोने भार वाले काट दिए, ये लो इधर से एक कोना दो कोना और तीन कोना काटते ही ये हेक्सागन बन गया है और हेक्सागन का प्रत्येक कोण 120 डिग्री होता है। ये अगर 120 डिग्री होगा तो मुझे बताइए भार वाला जो अपने पास होगा वो क्या 60 डिग्री होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हेक्सागन का वैसे भी डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल भी आप निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है 360/6, तो वो अपने पास आ जाएगा कितने डिग्री, 60 डिग्री। बाहर वाला जो एंगल अपने पास ये है, ये अपने पास कितने डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री आ जाएगा। बाहर वाला एंगल अगर आप लोग निकालोगे तो ये लीजिए ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो बाहर तो बन गए तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसके अंदर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं अगर आपको पता हो तो, क्योंकि यहां पर बना जो एंगल होता है जैसे आप लोग इसको इससे मिलाओगे यहां पर, तो यहां पर बना जो एंगल अपने पास होगा वो होगा 360/6। तो ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री, ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री, ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री, इस प्रकार से 60 डिग्री और यहां से अपने पास ये जो होगा 60 60, इक्वल कोर्स ये बराबर हैं, तो ये भी ए और ए, तो इसके अंदर की तरफ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, 6 अंदर बनेंगे और 3 अपने पास बाहर, तो टोटल बन गए 9। यहां पर 300 को काम में लेने की जरूरत है ही नहीं, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर जब अपने पास ऐसा हो तो ध्यान रखना 6 तो अंदर और 3 बाहर 9, तो षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो अंदर बनेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, टोटल थे 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल और परसेंटेज के लिए गुना कर देंगे 100 से, तो 200/3 का मतलब क्या 66.66%। इस 300 को काम में लेने की जरूरत आपको है ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों से तो यहां पर यही पूछा है, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या। बिल्कुल त्रिभुवन, यही होता है भाई, हाँ ये तीनों बराबर बराबर भी हैं बिल्कुल अपने पास। यहां से अगर ये ए है, ए है, ये भी अपने पास ए है, तो ये तीनों बराबर बराबर भी अपने पास हो गए। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आंसर लेकिन चेंज नहीं होगा, बोलिए ठीक है क्या। याद रखना आप लोग छोटी सी चीज है ये, अपने पास इसको 3-4 बार आप लोग पढ़िए, मैं आपको फिर प्रोसेस बता देता हूं। ज्योमेट्री आप लोग एक दो टाइप के स्टूडेंट यहां पर हैं, जिन बच्चों का ज्योमेट्री या मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग रहता है वो तो क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दोबारा क्वेश्चन वो करते हैं इनको, और फिर वो कोई भी क्वेश्चन करो वो सारे के सारे उनसे सोल्व होने शुरू हो जाते हैं खुद से ही अपने आप। लेकिन एक दूसरे टाइप का बच्चा भी है, 40-50% बच्चे वो भी होते हैं जिनसे एक बार कर लिया अगली बार ये क्वेश्चन करोगे नहीं में प्रॉब्लम आनी है,
और फिर आप लोग क्या करते हो, इनको तो करते हो नहीं, नए क्वेश्चंस पर आप लोग चले जाते हो और नए क्वेश्चन पर तो वैसे ही फिर प्रॉब्लम यही वापस करोगे तो ही नहीं होंगे। तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने आप लोगों को दिए हैं इनको आप लोग चार बार करो और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ उनको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो इनको करने की शुरुआत आप लोग कर लो। यहाँ पर मेरे ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं हर बार बताता हूं, दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक फेसबुक या और यूट्यूब या जो आप नहीं कर पाओगे, बाकी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करो वो आपसे सोल्व हो जाएगा। कुछ टीचर क्या करते हैं यहाँ पर, वो दूसरे बच्चों को डराने के लिए अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे क्वेश्चंस डालते रहते हैं जो किसी से नहीं हो और वो क्वेश्चन आते भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन से आप लोग 50 साल पढ़ लो ज्योमेट्री, उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो फिर वो डराने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना उन क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप लोग सारे क्वेश्चंस 100% कर पाओगे। लेकिन पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस करो, और ऐसा आपको 4 times करना है। और उसके बाद आप लोग कोई भी पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठाइए या जो भी बुक चल रही है जो छपकर आ गई है उसको आप लोग देखिए, क्योंकि बुक में ऐसे बिना मतलब के क्वेश्चन टीचर डालता नहीं है। तो बुक कर लो, कोई भी नोट्स कर लो, और मैं तो कहूंगा इतना करने के बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको चार बार करो। एक ही चीज को चार बार करने से आपका सिलेक्शन होगा, बजाय चार चीज को एक एक बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक ही चीज को चार बार या 5 बार पढ़िए, 5 चीजों को एक एक बार पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और उससे स्पीड नहीं बढ़ती। फिर तो बार बार पढ़ना पड़ेगा भाई। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, अगर किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ जो साइड है, रेगुलर पॉलीगन में कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर है उसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर है, सम बहुभुज अगर है, सम बहुभुज क्या होता है जिसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर है, उसमें अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 2 है 4 2 तो क्या होंगी 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 16 है मतलब इवन में अगर है, तो अगर सम संख्या में है, या अपने पास हो सकती है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है इसी प्रकार से चलता रहेगा, मतलब ओड हो सकती है, विषम अपने पास हो सकती है। तो जब भी अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नंबर ऑफ साइड अगर 4 6 8 10 ऐसे हो तो ये जो अपने पास इसका ये वाला जो अपने पास नंबर ऑफ साइड मान लो 6 है तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये साथ ही इसका एंगल का बाइसेक्टर भी होगा, याद रखना। ये वाला जो होगा वो अपने पास एंगल के बाइसेक्टर भी होगा, साइड जरूरी 4 हो 6 भी हो सकती हैं 8 भी हो सकती हैं 10 भी हो सकती हैं 12 भी हो सकती हैं रेगुलर पॉलीगन की अगर आपके पास साइड है तो याद रखना ये जो डायगोनल होता है ये साथ साथ एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। कब? जब अपने पास साइड 8 10 12 15 और रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। लेकिन अगर साइड अपने पास 5 है तो याद रखना 5 साइड है या 7 साइड है या 8 साइड अगर अपने पास है तो डायगोनल जो यहां से एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सामने वाली पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। साइड 3 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है 10 भी हो सकती है यहां पर अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो यहां से जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये सामने वाली साइड पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले के भी एंगल बाइसेक्टर पर जाकर मिलेगा जब साइड 4 6 8 10 इवन में हो। लेकिन अगर ओड में हो 1 3 5 7 3 एक तो होगी नहीं, साइड एक कहां से होगी, 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से अगर 3 5 7 हो तो अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर होगा सामने वाली साइड पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 5 भी हो सकती हैं 7 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं 9 भी हो सकती हैं ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये थी आज हमारी ज्योमेट्री जो कंप्लीट होती है, इसको 4-5 बार आपको करना ही पड़ेगा, याद रखना। कल से हम लोग मॉर्निंग में पहले कैलकुलेशन के 3-4 क्लास पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग फिर मेंचुरेशन की शुरुआत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बिल्कुल कुमार अभिषेक, नंबर सिस्टम करेंगे फिर। हाँ बुक बहुत है, ये जो फाइल है यही कर रहा आप तो।